राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के निर्देश पर निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण अभियान के तहत वर्तमान में पाठ्यपुस्तकों का वितरण किया जा रहा है। इसी क्रम में राजकीय सनातन धर्म उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी पाठ्यपुस्तकों का वितरण जारी है। ब्लॉक के रूप में कार्यरत उक्त विद्यालय को अजमेर डिपो से कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की कुल 27,268 पुस्तकें प्राप्त हुई है। संस्था प्रधान दिनेश कुमार के अनुसार ब्लॉक से सभी 31 विद्यालयों को पाठ्यपुस्तकें वितरित कर दी गई है। अब विभागीय निर्देशों के अनुसार शनिवार से विद्यालयों से विद्यार्थियों को पुस्तकें दी जा रही है। उन्होंने बताया कि कक्षा 1 से लेकर 10वीं की पुस्तकें पूर्व के पाठ्यक्रम अनुसार है, जबकि कक्षा 10वीं तथा 12वीं का पाठ्यक्रम बदल गया है। संस्था प्रधान ने बताया कि राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अभी बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं। शिक्षक बच्चों के घर घर जाकर उन्हें शिक्षण करवाते हुए होमवर्क दे रहे हैं। शिक्षक फील्ड वर्क के दौरान ही विद्यार्थियों को पुस्तकें प्राप्त करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, ताकि ऑनलाइन शिक्षण पूर्ण सफल हो सके। पुस्तकालय प्रभारी श्रीमती पूर्णिमा व्यास ने बताया कि नियमित अध्ययनरत विद्यार्थियों को पुस्तक वितरण शुरू कर दिया गया है। स्थानीय विद्यालय गावर की 31 विद्यालयों का ब्लॉक नोडल है। इसमें एक यूसीईओ छावनी विद्यालय भी है। इन सभी 31 विद्यालयों को ब्लॉक से निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण कर दिया गया है और विभागीय दिशा निर्देशानुसार विद्यार्थियों को भी पुस्तकें वितरण करने का प्रारंभ कर दिया गया है। प्रथम फेज में करीब कक्षा 1 से 12 तक की 27,268 पुस्तकें हमें प्राप्त हुई है, वो विद्यार्थियों को वितरित की जा रही है। साथ ही जब भी विभाग या अजमेर डिपो सेकेंड फेज की किताबें वितरित की जाए करेगा, वहाँ से प्राप्त करके हम जो पूर्ति करनी होती है अन्य विद्यालयों की वो कर देंगे। कक्षा 10th और 12th का पाठ्यक्रम में इस बार बदलाव हुआ है, तो 10th और 12th के विद्यार्थियों को पूरी नई पुस्तकें दी जाएगी, बाकी कक्षा के विद्यार्थियों को 50% नई पुस्तकें और 50% पुरानी पुस्तकें विभागीय दिशा निर्देशानुसार वितरित की जाएगी।